नमस्कार दोस्तों, आरसी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बेबी स्वेटर के थर्ड पार्ट को बनाएंगे। तो हमने आस्तीन बनाया, फिर 50 फंदे एक साइड में 50 फंदे बढ़ाए और दूसरे साइड में 50 फंदे बढ़ाए और उसके बाद 20 लाइन बुनने के बाद डिजाइन बनाया और फिर हमने 50 फंदे बुने, बीच के 60 फंदे को घटा दिया और दूसरी साइड के अब हमने बनाने शुरू किए। तो इधर का पार्ट कंप्लीट हो गया है, अब हमें दूसरी साइड का पार्ट बनाना होगा। तो अब यहाँ पे हम अपना ऊन अटैच करेंगे। थोड़ा लंबा छोड़ देंगे और सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। ये हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट होने जा रहा है। पहले लाइन में हमने 50 फंदों को बुना, उसके बाद 60 फंदे को घटा दिया और बचे हुए शेष 50 फंदे को लेके बुनना शुरू किया। तो ये दूसरा लाइन कंप्लीट होने जा रहा है और हम टोटल 24 लाइन बनाएंगे। हम टोटल 24 लाइन बनाएंगे सामने से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा बुनते हुए। तो 24 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने 24 लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पे अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। और दोनों कलर के ऊन से एक एक फंदा क्रमशः उल्टा बुनेंगे। एक बार पहले कलर के ऊन से उल्टा, फिर दूसरे कलर के ऊन से उल्टा, फिर इसको नीचे रखेंगे, अब पहले वाले को उठाएंगे उल्टा बुनेंगे, फिर इसको नीचे किया, दूसरे वाले को उठाएंगे उल्टा बुनेंगे। तो दोनों कलर के ऊन से एक एक फंदा क्रमशः उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों कलर के ऊन से क्रमशः एक एक फंदा उल्टा बुनते हुए मैंने लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और हमें दोनों कलर से क्रमशः सीधा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करना है। जिस कलर से उल्टा बुना गया है उसे उसी कलर से हमें सीधा बुनना है। रॉन्ग साइड से हमें सभी फंदे सीधे बुनने हैं। जो जिस कलर से बुना गया है उसी कलर से हमें उसे सीधा बुनना है। तो सीधा बुनते हुए सभी फंदों को सीधा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लाइन कंप्लीट कर ली। अब हमें इस कलर का काम नहीं है तो इसे हम काट देंगे और गांठ लगा देंगे। अब हम 23 लाइन प्लेन बुनेंगे, यानी आगे से सीधा और पीछे से उल्टा। अब हमें इसी कलर के ऊन से 23 लाइन बुनना है। आगे से सभी फंदे सीधे बुने जाएंगे, फ्रंट से सभी फंदे सीधे बुने जाएंगे और बैक से सभी फंदे उल्टे। तो 23 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 23 लाइन कंप्लीट कर लिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको याद होगा कि हमने 60 फंदे घटाए थे, तो अब हम 60 फंदे यहाँ बढ़ा लेंगे। तरीका वही रहेगा, उंगली में लपेटेंगे और सिलाई पे चढ़ा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 60 फंदे बना लिए और अब चूंकि हम दूसरे साइड में 24 लाइन बुनी गई है,
दूसरे साइड में हमने 24 लाइन बुने थे। तो अब क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐसे जोड़ लेंगे। और अब हम यहीं से पलट जाएंगे और सभी फंदों को उल्टा बुनते जाएंगे। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे और फिर दोनों कलर से एक एक फंदा उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। एक बार पहले कलर से उल्टा, फिर दूसरे कलर से उल्टा। अब इसको नीचे रखेंगे, दूसरे पहले को उठाएंगे और फिर उल्टा बुनेंगे। अब इसको नीचे रखेंगे, दूसरे वाले कलर को उठाएंगे और उल्टा बुनेंगे। ऐसा करने से देखिए ये ऐसे लिपटता चला जा रहा है। एक बार दूसरे वाले कलर से उल्टा, फिर पहले वाले कलर से उल्टा, दूसरे कलर से उल्टा, फिर पहले कलर से उल्टा। इसी तरह करते हुए सारे फंदे हम बुन लेंगे। दोनों कलर के ऊन से अल्टरनेट उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन बुन ली गई है। अब हम रॉन्ग साइड से हैं और अब हमें सभी फंदों को सीधा बुनना है। जो जिस कलर का है उसी कलर का सीधा। इस समय सिलाई पे 160 फंदे हैं। 50-50 फंदे साइड के और 60 फंदे जो हमने बढ़ाए हैं, तो टोटल 160 फंदे सिलाई पे हैं। अब हमें इन सभी फंदों को सीधा बुनना है, दोनों कलर के ऊन से बारी बारी एक एक फंदा सीधा बुनते हुए। तो मैं लाइन कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों कलर के ऊन से एक एक फंदा बारी बारी से सीधा बुनते हुए मैंने लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इस ऊन का कोई काम नहीं है, तो इसे हम काट देंगे। और अब हमें अपने मेन कलर से सभी फंदों को 20 लाइन सीधा बुनना है, 20 लाइन प्लेन बुनना है, यानी आगे से सभी फंदे सीधे बुने जाएंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो 20 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 20 लाइन कंप्लीट कर लिया है। तो इसे कैसे गिनेंगे, उल्टा करेंगे और देखिए ये जो हमारा दो कलर का दिख रहा है ये हमारा पहला लाइन है। तो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ये हमारे 20 लाइन कंप्लीट हो गए। अब हम राइट साइड में हैं और ये हमारा 21वां लाइन है। तो 21वें लाइन में हम 50 फंदा जो हमने यहाँ पे बढ़ाया था, जो हमने साइड में बढ़ाया था उसे हम घटा देंगे, क्योंकि हमारा ये बॉडी पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो हम 50 फंदे घटाएंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ा देंगे। तो एक फंदा घट गया, ये दो फंदा घट गया,
इसी तरह करते हुए हम 50 फंदे घटा देंगे। तो 50 फंदे घटा के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 50 फंदे घटा दिए। अब यहाँ पे हम अपना सेकेंडरी कलर अटैच करेंगे। तो हमने अपना दूसरा कलर अटैच कर लिया। अब उन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा दूसरे कलर से उल्टा और दूसरा फंदा पहले कलर से उल्टा। फिर इसको नीचे करेंगे, दूसरे वाले को उठाएंगे, अगला फंदा उल्टा बुनेंगे। अब बुने हुए ऊन को नीचे करेंगे, दूसरे वाले को उठाएंगे, अगला फंदा उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। एक एक फंदा दोनों कलर के ऊन से उल्टा बुनते जाएंगे। बुनने के बाद उस धागे को नीचे करेंगे, दूसरे वाले को उठाएंगे, फिर नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनेंगे। अब इसको नीचे करेंगे, पहले वाले को उठाएंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनेंगे। इसी तरह बुनते हुए हम बीच के 60 फंदे बुन लेंगे। एक एक फंदा दोनों कलर से बुनते हुए हम टोटल 60 फंदे बुन लेंगे। तो 60 फंदे बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 60 फंदे बुन लिए दोनों कलर के उनसे। एक एक फंदा उल्टा बुनते हुए मैंने 60 फंदे बुन लिए। अब लास्ट के 50 फंदे बचे हैं, तो इसे हम पीले रंग के उनसे दूसरी ओर करेंगे। पीले रंग के ऊन से सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 50 फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम रॉन्ग साइड से हैं और इन 50 फंदों को हमें घटाना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को उठा के आगे वाले पे चढ़ा देंगे। नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ा देंगे। तो ये हमारे फंदे बाइंड ऑफ होने शुरू हो गए। तो हम इन 50 फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने 49 फंदे घटा दिए और ये 50वां फंदा है। तो उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को उठा के आगे वाले पर चढ़ा देंगे। अब यहाँ से हमारा ये डिज़ाइन बनना शुरू होगा। तो अब कि हम दोनों कलर के ऊन से एक एक फंदा सीधा बुनेंगे। नीचे किया, दूसरे को उठाया, सीधा बुना। अब इसे नीचे किया और पहले को उठाया और सीधा बुना। हमें एक एक फंदा दोनों कलर के ऊन से सीधा बुनना है। जो जिस कलर का है उसे उसी कलर के ऊन से सीधा बुनना है। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों कलर के ऊन से एक एक फंदा सीधा बुनते हुए मैंने लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये कुछ इस तरह बन के तैयार हुआ है। अब शेष नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।